उनका मर्ज ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मर्ज ना ठीक हो, जरूर ठीक हो जाता है अगर इलाज लग के वो 3-4 महीना करें तो ठीक हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स होते हैं, पहले महीना गड़बड़ होता है, दूसरा इलाहाबाद से बोल रही हूँ, मेरी क्लिनिक का नाम है शरीर क्लिनिक। मैं PCOS के बारे में बता रही हूँ। PCOS मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये ऐसी डिजीज होती है जिसमें कि ओवरी के चारों तरफ छोटी छोटी कांटे हो जाती हैं, जिससे कि अंडे नहीं बनते हैं, और ये ज़्यादातर 30 से 40 साल की उम्र होता है। और इसमें महीना गड़बड़ हो जाता है, मंथली कभी कभी चढ़ के होता है, कभी कभी घट के होता है, ठीक से नहीं होता है। इसमें प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्राइमरी चलती हो जाती है। और इसमें इलाज करना चाहिए, जैसे कि उनका मर्ज ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मर्ज ना ठीक हो, जरूर ठीक हो जाता है अगर इलाज लग के वो 3-4 महीना करें तो ठीक हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स होते हैं, पहले महीना गड़बड़ होता है, दूसरा मुँह में एपनी हो जाता है, एपनी हो जाती हैं, और वेट बढ़ जाता है, और क्या नाम बच्चे नहीं होते हैं। इसलिए इसके ट्रीटमेंट है, इसमें मायोस्टॉल देना चाहिए और मेटफॉर्मिन भी देना चाहिए और एंटी टेस्टोस्टेरोन देना चाहिए। इसमें क्या आता है, जब ओवरी जो है वो चारों तरफ गांठें हो जाती हैं, ओवरी वर्क नहीं करता, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है और इंसुलिन ज़्यादा बनता है, और ये वेट इनका ज़्यादा होता है। वो लोग ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाती हैं, जितनी ऑयली चीज़ें खाती हैं वो जाके ओवरी में जमा हो जाती हैं। जमा होने से क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलता है, उसकी गंदगी पेट से नहीं निकलती है, तो इसलिए उनको वेट कम करना चाहिए, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा न बने और इंसुलिन ना निकले। और इसका ट्रीटमेंट कायदे से 3 महीने करना चाहिए, जिससे फिर उनको आगे चल के माँ बन सकती हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होगी।